इकरा पीयू साइंस कॉलेज, आपके भविष्य की हमें है फिक्र। स्टूडेंट के उज्जवल भविष्य के लिए इकरा पीयू साइंस कॉलेज फर्स्ट पीयूसी और सेकंड पीयूसी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। पीसीएमबी और नीट सीईटी कोर्स के ऑफर चल रहे हैं। यहां पर तजुर्बेकार स्टाफ, नए तकनीकी लैब, साथ ही स्टूडेंट को वाहन की सुविधा भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 8147652423 पर मिस्ड कॉल करें। इनका पता इकरा पीयू साइंस कॉलेज, BSNL क्वार्टर्स, नियर मनगोली बेस, बीजापुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9538644299 और 8971021429 पर। तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीती थी और 14 में भाजपा वहां पर 73-80 में 73 सीट जीत कर आई। कमोवेश वही स्थिति फिर कर्नाटक को लेकर है। इस बार उल्टी बात हुई है, इस बार कांग्रेस जीती है। तो फिर पत्रकार बंधु और जितने एनालिस्ट हैं और कुछ कांग्रेस के समर्थक अब इसको बता रहे हैं कि ये 24 का ये संकेत है। मेरे भाई, हर चुनाव अलग चुनाव है। आप बंगाल में जीते, वो बंगाल का चुनाव था। उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, वो उत्तर प्रदेश का चुनाव था। और कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है वो कर्नाटक का चुनाव है। जिनको सफलता मिली है उनको बधाई, लेकिन इन चीजों को आप एक्सट्रापोलेट मत कीजिए। आपको बस ध्यान दिला दूं कि 2013 में कांग्रेस कर्नाटक जीती थी, 2014 में उसी कर्नाटक में भाजपा ने स्वीप किया, 2018 में एक राज्य नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में दिसंबर 2018 में कांग्रेस जीती। और उन्हीं राज्यों में, उसी राजस्थान में, उसी छत्तीसगढ़ में, उसी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा के चुनाव 4 महीने के बाद हुए तो कांग्रेस का खाता नहीं खुला। तो मेरा जो अपना छोटा अनुभव है, चुनावों को आपको बस उसी संदर्भ में देखना चाहिए। ये जरूर दिखाता है कि भाजपा की क्या गलती है, कमी है, वो ठीक बात है, लेकिन कर्नाटक में ऐसा हुआ इसलिए कल होकर लोकसभा में भी ऐसा होगा, या उत्तर प्रदेश में भाजपा जीत गई इसलिए भाजपा ही जीतेगी, ये बातें नहीं है। लोग उत्साह में, जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के नेता है, वो उत्साह में इन चीजों को आगे बढ़ाकर बोलते हैं। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कहा था तो भी गलत है, और आज अगर कांग्रेस के समर्थक कर्नाटक के संदर्भ में बोल रहे हैं तो मेरा उनको इतना ही सुझाव, बिन मांगा सुझाव है कि आप बहुत ज्यादा उत्साहित न हो। जीत मिली है वो अच्छी बात है, लेकिन ये जीत आगे के जीत का गारंटी नहीं है, उसका संकेत नहीं है। उसके लिए हर लड़ाई एक अलग लड़ाई है।